हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे छोटे भाई को 2 गोली लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने घायल को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल ये मामला जनपद के थाना कपूरपुर क्षेत्र का है। थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सपनावत निवासी जुगल किशोर शर्मा का पड़ोस के रहने वाले अपने छोटे भाई सोनू से तार लटकने को लेकर विवाद हो गया। इसे लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। विवाद इतना बढ़ गया कि जुगल किशोर शर्मा ने अपने लाइसेंस पिस्तौल से छोटे भाई सोनू पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। 2 गोलियां सोनू को लग गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद परिजनों और पुलिस ने घायल सोनू को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है आपका? नितिन सर। कहाँ पर आप आए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं हापुड़ देवनंदनी हॉस्पिटल में हूँ। इनके बड़े भाई जुगल किशोर शर्मा ने छोटे भाई अपने को सौमेंद्र शर्मा पर गोली चलाई, जिसमें 2 फायर करी। घरेलू झगड़े के केस में ही आपस में झगड़ा था, जमीन विवाद था, उसमें फायर करा। तो कितनी गोली मारी है? 2 फायर करी हैं। फिलहाल एक तो लगी हुई है उनके, दूसरी का भी पता नहीं है कि लगी है या नहीं लगी है। दूसरे एक तो दिख रही है। इस पूरे मामले में एएसपी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने लाइसेंसी पिस्टल से छोटे भाई को गोली मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र कपूरपुर के ग्राम सपनावत में बड़े भाई जुगल किशोर शर्मा के द्वारा अपने छोटे भाई सोमेंद्र शर्मा को मामूली कहासुनी पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है, जो घायल सोमेंद्र शर्मा के पेट में लगी है, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में हापुड़ में हो रहा है। मजरूह के परिजनों की तरफ से जो है FIR पंजीकृत कराई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी बड़े भाई की तलाश में जुट गई है। आरोपी जुगल किशोर शर्मा पूर्व में BJP का मंडल महामंत्री भी रह चुका है। पंजाब के TV के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।